गोंडा से बसपा के पूर्व प्रत्याशी आज समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हुए हैं और अखिलेश यादव खुद सवार किए हैं। आगे किस तरीके का विजन है, कैसे आगे लेंगे? विजन तो सिर्फ एक ही है, अब माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। और जो उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज है उसने आज यहाँ से माननीय अखिलेश यादव जी को शंख और चक्र देकर ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी होने जा रहे हैं। पूरा ब्राह्मण समाज बांदा से लेके बलिया तक, गाजीपुर से लेके जो भी इधर क्षेत्र पड़ते हैं पश्चिम तक, पूरा ब्राह्मण समाज ने कसम खा लिया है कि अब अगर उत्तर प्रदेश में किसी को उखाड़ कर फेंकना है तो उसको योगी बाबा से घंटी बजवाना है और कुछ नहीं, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। वर्तमान सरकार पे आरोप लगते रहे हैं ब्राह्मणों के साथ अत्याचार उत्पीड़न का, उसका असर कितना देख रहे हैं और किस तरीके से इस मैसेज को कन्वे कर? अरे भाई आप भी बताइए कि असर देखने मिल रहा, 450 ब्राह्मणों की हत्या हुई है, आप असर की बात कर रहे हैं? असर इतना दूर तक जाएगा कि उत्तर प्रदेश में बाबा नजर नहीं आएंगे। तो कह रहे हैं कि चाहे कितना बड़ा कुनबा आ जाए ब्राह्मण तो उन्हीं के साथ। भाई झूठ बोलने फैक्ट्री, उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। अगर आपको झूठों की कोई फौज चाहिए, अगर झूठों की फौज का आपको कहीं खोजनी हो तो आप बगल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय वहां चले जाइए, सब झूठे एक तरफ आपसे बैठे हुए मिल जाएंगे। को सपा के लिए जोड़ने के लिए क्या करेंगे, कोई मिशन बना के काम करें? पूरा मिशन तैयार है, हमारा पूरा समाज एकजुट होकर के माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की सौगंध खा चुका है। ऐसा क्या हो रहा है कि बसपा पूरी खाली होती जा रही है और सपा ही केवल ऑप्शन है? अब ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुझे संतोष तिवारी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और उनका सीधे एक ही विजन है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। कैप्टन असद के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।